दोस्तों, भीमराव अंबेडकर होने का क्या मतलब है, ये तस्वीरें आपको समझा देंगी। ये तस्वीरें बताती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इस देश के सबसे दबे कुचले लोगों के दिलों में बसते हैं और उनके स्वाभिमान एवं गरिमा के प्रतीक हैं। 21वीं सदी में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए जिसके प्रति लाखों नहीं करोड़ों लोग अपने आप अपना सारा प्यार न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आखिर ऐसा क्यों है? भारत के इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपनी सारी प्रतिभा, मेधा, अध्ययन और शारीरिक ऊर्जा के साथ उन लोगों के पक्ष में निर्णायक तरीके से खड़े हो गए जिन्हें इंसानी दर्जा से वंचित कर दिया गया था। वह स्वयं भी उन्हीं लोगों में से एक थे। इन वंचित लोगों में शूद्र, अतिशूद्र और महिलाएं शामिल थीं, यानी भारत की करीब संपूर्ण मेहनतकश आबादी। इंसानी दर्जा से वंचित बहुजन समाज को बराबरी का इंसानी हक दिलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी चुनौती देनी पड़ी। वेदों, स्मृतियों, गीता यानी हिंदू धर्म ग्रंथों को ललकारना पड़ा। इन धर्म ग्रंथों के रचयिताओं तथा कथित महान ऋषियों मुनियों के पाखंड को उजागर करना पड़ा। आधुनिक काल के तथाकथित महानायक तिलक और गांधी से भी सीधे टकराना पड़ा। हिंदू संस्कृति की महानता के नाम पर जो कुछ स्थापित था उसके मनुष्य विरोधी मूल चरित्र को उजागर करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं लिखा है कि बुद्धिजीवी अपने ज्ञान का एक इस्तेमाल अपने लिए भौतिक समृद्धि एवं पद प्रतिष्ठा के लिए कर सकता है और दूसरा इस्तेमाल मानव मुक्ति के लिए कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश बुद्धिजीवी पहला वाला रास्ता ही चुनते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा वाला रास्ता चुना। 20वीं शताब्दी के विश्व की महानतम प्रतिभाओं में से एक डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना सब कुछ मानव मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। इसके बदले उन्हें और उनके परिवार को भुखमरी जैसे अभावों का सामना करना पड़ा और अपने चार चार बच्चों को असमय खोना पड़ा, जिसका मार्मिक वर्णन उन्होंने स्वयं किया है। अभाव और दुखों के पहाड़ के बीच जीने के चलते उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर भी बीमारी का शिकार होकर असमय मौत के मुंह में समा गईं। यह कहना किसी को अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन यह पूरी तरह सच है कि डॉक्टर अंबेडकर न्याय एवं समता के लिए संघर्ष करने वाले भारतीय इतिहास के सबसे महानतम योद्धा थे। इस महानतम योद्धा को भारतीय इतिहास का सबसे कठिन युद्ध लड़ना था। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, उन्हें इंसानों से टकराने के साथ भगवानों, धरती के भूदेवों, ब्राह्मणों, तथाकथित महान ग्रंथों और आधुनिक युग के नए महात्मा गांधी को चुनौती देनी थी, जो जीवन के अंतिम समय तक शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की वंचना के लिए जिम्मेदार वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते रहें और ब्राह्मणों को ब्रह्मांड का सबसे सुंदर फूल कहते रहें। यह कोई भी अंदाजा लगा सकता है, इन सबसे टकराकर उन्हें प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए संघर्ष करना था। अब धीरे धीरे इस भारत के इस महानतम योद्धा को वे लोग पहचान रहे हैं जिनके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया था। उन्हीं में से एक ये बुढ़िया माँ के भी हैं, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जो अपने महानतम बेटे की तस्वीर अपनी छोटी सी झोपड़ी में भी लगा रखी हैं। कहना मुश्किल है, पर लगा रखी हैं। यह प्यार और सम्मान विरलों को ही मिलता है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।